नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ काको प्रखंड में और आज पंचायत चुनाव का दूसरे दिन का नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों का भीड़ जमा हुआ है और नॉमिनेशन के लिए समर्थक के साथ यहाँ मुखिया आ चुके हैं और अपना अपना नॉमिनेशन करा रही हैं। पहले भी मुखिया थे? हाँ, मुखिया पहला हूँ था। कौन कौन विकास किया? बहुत विकास कैले, पंचायत ने तो ढेर विकास कर दिए। नाल जल लगा दिए, नाली जाली लगा दिए, इंदिरा आवास। तो अभी अब चुनाव जीतेगा तो क्या कीजिए? अभी फिर विकास करेंगे जितना होगा, नाली गली कोठा सोफा नल जल सब लगा देंगे। गरीबों को जैसे उत्थान करना, जो उसका विकास करना, जो भी गरीब कमजोर वर्ग को है उस सबको आगे बढ़ाना, अपनी सरकार का साथ, सबका साथ, सबका विकास। नंबर में आ रहे हैं, मैं 100% एक नंबर में आ रहे हैं। इतने के बाद प्राथमिकता हुआ कि जनता के सामने जाकर काम करेंगे अच्छा से। पंचायत में छूटल वाला कमियाँ होगा उसका पूरा करेंगे। तो क्या ऐसा छूटा हुआ काम है? बहुत छूटा हुआ काम है। पंचायत भवन नहीं बना, नली गली नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने कोविड गाइडलाइन के लेके मास्क और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने की बात कही थी, आप लोग मेंटेन कर रहे हैं उसका? हाँ, कहाँ मेंटेन कर रहे? अभी बिना मास्क जनता कितना रुकेगा? मेरा जनता तो मैंने ब्लॉक वाला है, हम लोग पति और पत्नी दो आदमी है। तमाम लोग के देख रहे हैं कि सभी लोग, तमाम लोग हर पंचायत के हैं। जनता कितना को रोकेगा? मगर हम लोग आए हैं कराने के लिए। सिर्फ हम और पत्नी एक प्रस्तावक, 3 आदमी है बस। अच्छा, जीते हैं और जीतेंगे। अच्छा, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके पंचायत में? अच्छा, इसके पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं, तो क्या तो पहले विकास नहीं हुआ आपके पंचायत में? बहुत हुआ है, जब 15 साल नहीं हुआ है, जब हुआ 5 साल। अच्छा, तो अब क्या ऐसा कीजिएगा दोबारा जीते? दोबारा ठीक करेंगे। क्या कीजिएगा? करेंगे नाली गली जहाँ छूटा है, जहाँ बनाएंगे। इंदिरा आवास जिसको छूटा हुआ गरीब को उसको बनाओगे, जिससे बिना बिल्कुल छूटे हुए उसको बनाओगे। आप क्या करें? जिसको राशन कार्ड छूटा है उसको बनाओगे। आप क्या करें? गरीबों लोग हैं उनको सेवा करेंगे। आप क्या करें? आपका नाम क्या है? पंचायत चुनाव जीतने के बाद क्या, पहले कौन से मुखिया थे और अभी? चुनाव जीतने के बाद सर्वेंट विकास के लिए हम काम करेंगे, जो गरीबों और दलितों के लिए हम काम करेंगे। क्या मुख्य कार्य है जो आप करेंगे? जो हमारे गांव में जो नली गली जो अभी तक नहीं बन पाया, उसको हम विकास के लिए काम करेंगे। पूर्व मुखिया जी भी दावा करते हैं कि उनके द्वारा बहुत विकास किया गया। उनकी दावों में सच्चाई तो देखिए, जाके फील्ड में जाके उनकी दावों को सच्चाई के रूप में देखा, देखिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छा विकास ही हमारा मुद्दा है। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार, बड़ौना। ये बताइए, और आप है कि है पंचायत समिति के? सर मुखिया कौन है? मुखिया आपके लिए हम हैं सर। अच्छा, ये बताइए, किस पंचायत के लिए आपने नामांकन कराया हो, किस पद के लिए कराया? जी, मनियावा पंचायत के मुखिया पद से नामिनेशन करवाए हैं। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। तो क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? जो जनता की सेवा करने के लिए प्राथमिकता मेरा रहेगा। जनता को दुख सुख के हम साथ रहेंगे। तो क्या ऐसा आपके पंचायत में कौन सा कार्य हुआ है, नहीं हुआ, क्या किस चीज़ से अभी है? बहुत लगन के अति जो जनता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हम मैंने खड़ी हुए हैं मुखिया पंचायत से। जनता का समर्थन क्या, जनता का समर्थन किसको मिल रहा है, ना मिल रहा? भरपूर मिल रहा है। जीत को लेकर आश्वासन जी महेश चौधरी नाम हुआ हमको। पंचायत के लिए क्या सोच रखे हैं? पंचायत में कार्य बढ़िया करेंगे हम, जनता को बीच में दुख सुख में साथ रहेंगे, इसका पूरा किया जाएगा। बहुत सारे पंचायत मुखिया जी आते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं, वोट लेके बाद में जनता के यही कर देते हैं। नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं होगा कि मैंने जनता के बीच में हम मथी नहीं करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे। जी महेश चौधरी नाम हुआ, मनियावा पंचायत।